जज्बा नया, जीत नई। मैं एक महिला किसान हूँ। किसान नहीं करते करते और गृहिणी से कब मैं राष्ट्रपति भवन तक पहुँच गई, मेरे को मतलब बड़ी खुशी हुई है और इसके बारे में मैंने कभी नहीं सोचा था। मोदी जी जो मन की बात करते हैं उसमें महिला किसानों का जिक्र करते हैं, पहले किसी सरकार ने महिलाओं के बारे में ऐसा कुछ नहीं बोला। आज हम अपने पैरों पर खड़े हैं, इतना अच्छा लग रहा है हमें अपने पैरों पर खड़ा होके। अभी मैं IHM पूसा से बेकरी का ही कोर्स कर रही हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि हम अपनी तकनीकों को और विकसित करें। नमस्कार, बहुत स्वागत, डीडी किसान देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ राधिका चौधरी। तमाम देशवासियों को किसान महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आपको बता दें कि आज बात हो रही है उन महिलाओं की जिन्होंने अपनी पहचान बनाई है। आज हम बात कर रहे हैं उन ग्रामीण महिलाओं की जिन्होंने अपनी पहचान बनाकर खुद का मुकाम हासिल किया है, और ऐसी महिलाएं आज आपके सामने होंगी क्योंकि बार बार हमारी सरकार, मौजूदा सरकार भी इस बात पर ध्यान दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी भी बार बार कह रहे हैं कि मोटे अनाज को ज्यादा से ज्यादा उपयोग में लेना है, ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देना है। आज मैं एक ऐसी संस्था पे आई हूँ जहाँ मोटे अनाज की एक नहीं दो नहीं 18 से 20 वैरायटी बनती है, और सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं भारत में ही, इंडिया से बाहर भी इसकी डिमांड है और लगातार मांग हो रही है कि मोटे अनाज के बिस्किट लड्डू कैसे बनाए जाते हैं, क्योंकि मोटा अनाज जो है वो पौष्टिक है, उसमें कैल्शियम होता है, सबसे ज्यादा आपके हेल्थ का ख्याल रखने वाला मोटा अनाज ही है। उस मोटे अनाज पर हमारी महिलाएं कितना काम कर रही हैं, और वो ऐसी महिलाएं, क्योंकि हरियाणा और चंदू जैसे गांव की बात करें जहां महिलाओं का बाहर निकलना बहुत मुश्किल था, ऐसी महिलाएं जो पढ़ाई लिखाई से भी बहुत पीछे, लेकिन धीरे धीरे हरियाणा में ऐसे ऐसे गांव हैं जो आगे बढ़ रहे हैं, और उसी गांव की पूजा जी हमारे साथ है जो आज आपको बताएगी अपने बारे में। नमस्कार पूजा जी। नमस्कार, मेरा नाम पूजा शर्मा है, मैं गांव चंदू से हूँ। मैंने सिटीज नामक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया है और उसमें जितने भी मोटे अनाज से प्रोडक्ट बनते हैं हम वही मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे करते हैं, और जो भी मतलब बिस्किट है इसमें, लड्डू है, मठियां, नमकीनें, जो भी हमारे किसान भाई खेतों में पैदा करते हैं वही चीजें, मतलब मोटा अनाज उनसे डायरेक्ट खरीद के उन्हीं के प्रोडक्ट बना के हम मतलब लोगों को खिलाते हैं जी। तो मोटा अनाज कितना कारगर है वो पूजा जी से जानेंगे, कितनी डिमांड है वो भी हम इन्हीं से जानेंगे, लेकिन मोटे अनाज पर आज बात क्यों हो रही है? हमारे पूर्वज, हमारी पीढ़ियां, पहले एक जमाना था जब मोटा अनाज सबसे ज्यादा उपयोग में लिया जाता था, लेकिन धीरे धीरे आपने देखा कि वो लुप्त हो गया, तो बीमारियां भी बढ़ गई, कोविड सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। लेकिन पूजा जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि 2022 में राष्ट्रपति जी से आपको सम्मान मिला जी, ये सफर आपने यहाँ से वहां तक कैसे तय किया? राष्ट्रपति जी से मेरे को नारी शक्ति सम्मान मिला है, जिसके बारे में मैंने कभी सोचा ही नहीं था। मैं सिर्फ मेहनत करती गई और धीरे धीरे हर मुकाम हासिल होता गया, ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। मेरे लिए क्या, हमारे पूरे हरियाणा के लिए गर्व की बात है। हमारे देश में काफी सारी बहनें हैं जो राष्ट्रपति भवन तक भी पहुंच सकती हैं खेती बाड़ी का काम करके, क्योंकि महिला किसान जो है वो खेती तक ही सीमित नहीं है, अब वो महिलाएं प्रोडक्ट बना के जैसे मार्केट में देती हैं, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना भी है कि किसानों की आय डबल कैसे हो सकती है, क्यों ना महिलाएं समूह बना के और जो भी हमारे किसान भाई खेतों में पैदा करते हैं उन्हीं से प्रोडक्ट बनाएं, तो महिलाओं सशक्तिकरण के साथ साथ किसानों की आय भी डबल होगी, डबल की बजाय 3 गुना होगी मेरा मानना है। इससे हम जैसे बाजरे से लड्डू बना सकते हैं, बाजरे से मठियां बना सकते हैं, बाजरा बिस्किट है, रागी बिस्किट है, सारे मतलब मोटे अनाज के ही हमने प्रोडक्ट बनाए हैं, ताकि लोगों के स्वास्थ्य का भी ध्यान रहे इसमें और उनको प्रोटीन और विटामिन भरपूर मात्रा में मिले जी। तो विटामिन भरपूर मात्रा में आपको मिले, सबसे ज्यादा पौष्टिकता वाला जो खान पान है वो मोटा अनाज है, और उस मोटे अनाज की बागडोर जो है हमारी किसान महिलाओं ने संभाल ली है, इसीलिए आज किसान महिला दिवस पर हम बात कर रहे हैं। और पूजा शर्मा एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है तमाम देशवासियों के लिए, तमाम
किसान महिलाओं के लिए जो खेतों में अपनी खेती बाड़ी जरूर करती है लेकिन वो सोचती है क्या मेरा मोटा अनाज जो मैं खेती कर रही हूँ जो मेहनत कर रही हूँ क्या उसको एक नाम मिल सकता है। जी हाँ, जरूर मिल सकता है। हम बात करेंगे कि मोटे अनाज में आपने क्या क्या बनाया, कितनी वेरायटी है पूजा जी आपके पास मोटे अनाज की। जी बबीता जी, मैं आपको टेस्ट भी कराती हूँ और बताती भी हूँ। जी देखिए, हमारे हरियाणा की महिलाएं पहले खेतों में काम करती थी, वो खेतों तक ही सीमित रहती थी। आज महिलाएं कुछ करके आगे बढ़ी हैं, वो अपनी पहचान बना रही हैं। और क्यों महिलाएं हमेशा पति के आगे हाथ फैलाएं, क्यों ना वो देने वाली बने। अगर हम इस तरह के काम करेंगे तो हम और महिलाओं को भी रोजगार दे सकते हैं, क्योंकि देखिए इतनी जनसंख्या हमारे इंडिया की है, उसमें नौकरी मिलना कोई हंसी मजाक नहीं है। तो हर महिला छोटा छोटा कुछ काम करे और महिलाओं को साथ जोड़े। देखिए बात मान सम्मान की है, पुरुषों से आगे निकलने की बिल्कुल नहीं है, तो पुरुष लोग बिल्कुल नाराज मत होइएगा। मान सम्मान इतना हो कि हम खुद भी मेहनत करें, कदम से कदम मिलाएं और आपका हम सफर बन के साथ दें। ऐसा ही कुछ पूजा शर्मा ने किया जो घूंघट से, और मुझे लगता है कि आपके जो गांव है इस गांव की महिलाएं बहुत कम, जिस तरह से आप बता रही थी। हाँ जी, घूंघट होता है, बाकी महिलाएं घर से बाहर निकलने में थोड़ा हिचकिचाती हैं, लेकिन पुरुषों के सहयोग के बगैर तो ये भी संभव नहीं है। और आज मतलब एक टाइम था मैं घर से बाहर जाती थी तो मेरे को भी लगता था, मैं रात में जब लौट के आती थी कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन गांव वालों का पूरा सहयोग रहा। जब भी मेरे को कहीं सम्मानित करते हैं, जैसे राष्ट्रपति जी ने मेरे को सम्मानित किया तो पूरे गांव में खुशी का माहौल था, लोगों ने भी मेरे को पंचायत ने भी सम्मानित किया। प्रधानमंत्री जी से भी मिली आप? हाँ जी, मोदी जी से भी मैं मिली हूँ। क्या बात है, देखिए और मेरा सपना था मिलने का। अच्छा, तो आप इतनी सारी वैरायटी हमारे पास बनी हुई है पूजा जी, जितनी आप वैरायटी बना रही है इसकी डिमांड क्या भारत में इससे बाहर भी है? देखिए हमारा आज जो कुकीज है वो विदेशों तक भी जाता है। जैसे कई बड़े बड़े 5-स्टार होटल हैं जिनमें नाश्ते में सिर्फ एक एक कुकीज ही लोगों को चाय के साथ दी जाती है। और काफी सारे लोग ऐसे जुड़े हुए हैं जिनके बच्चे, मतलब हमारे बच्चे अमेरिका जाएंगे, उनके लिए कुछ आप ऐसा बना के दीजिए। कुकीज भी काफी पसंद आती है, जैसे चना बिस्किट है, रागी बिस्किट है, बाजरा बिस्किट है। बाजरा बिस्किट कौन सा है? ये वाला है, बाजरा पीनट के साथ में भी हमने बनाया। बाजरा बिस्किट आप देख रहे हैं और बाजरा जीरा के साथ में भी, ये जवार तिल के साथ में। अच्छा, जवार तिल मोटा अनाज, और इसके अलावा ये लड्डू मैं देख रही हूं, बाजरा लड्डू है। ये बाजरा के लड्डू है, देसी घी में है, देसी घी में बादाम काजू भी दिख रहे हैं। तो क्या क्या मिला है आपने इसमें? इसमें गोंद होता है, काजू बादाम किशमिश, और इसके अंदर जैसे बाजरे का आटा होता है, देसी घी होता है, सारी देसी चीजें होती है, बाकी और कुछ नहीं होता। अच्छा, ये क्या है? ये बाजरा की मठियां बनाई है हमने, जैसे इसमें मेथी और अजवाइन डाल के चाय के साथ, तो इनका टेस्ट ही अलग है। और ये बाजरा है रोस्टेड में। अच्छा, रोस्टेड कर दिया आपने नमकीन में। जी जी, जहाँ आप नमकीन खाते सुबह चाय के साथ, तो आप मोटे अनाज का बाजरे से बनी हुई ये नमकीन खा सकते हैं। ये सब का मिक्स है, रागी ज्वार बाजरा चना सबको मिक्स कर रखा है। और ये बिस्किट मुझे थोड़े से अलग दिख रहा है, ये हमारी कुकीज हैं जो 5-स्टार होटल और बड़े स्टोर में जाती हैं, मतलब मुंबई हयात तक भी हमारा ऑर्डर जाता है। तो पूजा जी की जो शुरुआत थी वो बहुत छोटे से थी, लेकिन हौसले बहुत बुलंद थे, सपना बहुत बड़ा था, उसको पूरा करने के लिए रात दिन आपने एक कर दी। और आज पूजा जी हमारे साथ हैं, पूरा हिंदुस्तान आपको देख रहा है। मैं जरा इनका टेस्ट करूंगी और आप मुझे बताइएगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल। बिल्कुल स्वाद ऐसा है जो हमारे घरों में ठंडी में जी जी बिल्कुल ताकतवर बनने के लिए कहते हैं कि सर्दियों में आप कुछ अच्छा खाइए ताकि हेल्थ आपकी बहुत अच्छी होगी। जी जी, कुछ ऐसा स्वाद है। तो मैं जान सकती हूँ अगर मैं इसे लेकर जाऊँ तो अपने घर पर इसे कितने महीने रख सकती हो? 4 से 5 महीने तक खराब नहीं होता, देसी घी की यही पहचान होती है। जी, जो आपने ये साइज बनाई है जी, तो अभी मुझे बताइए इस साइज के बारे में जान सकती हूँ? बहुत छोटी साइज। देखिए हरियाणा में लड्डू बड़ा मोटे साइज का होता है, क्योंकि हरियाणा में मीठे को ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन ये साइज हमने लोगों की डिमांड के अनुसार बनाया है। जैसे बड़े बड़े ऑफिस में लोग लंच वगैरह में लेकर जाते हैं। जी, धीरे से मतलब बिल्कुल छोटे साइज के, इसलिए है कि बंदा जॉब करते वक्त भी मुंह में डाल के खाएगा तो पता नहीं लगेगा किसी। अच्छा, एक चीज और आपसे पूछूंगी, तमाम यहाँ पर हमारी जो महिलाएं हैं आपके समूह से जुड़ी हुई है, स्वयं सहायता समूह। हाँ जी, मौजूदा सरकार बहुत मदद कर रही है महिलाओं की, और आज बात ही हम महिलाओं पर कर रहे हैं,
कितना गुणकारी है मोटा अनाज? मोटे अनाज में काफी सारे विटामिन, कैल्शियम, प्रोटीन होते हैं, जिनके काफी फायदे हैं, जो बीमारियों से हमें बचाते हैं, और इनमें ताकत होती है भरपूर मात्रा में। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम अपने किसान भाइयों के अनाजों को बढ़ावा दें और उन्हीं से प्रोडक्ट बना के लोगों की डिमांड के अनुसार लोगों तक पहुँचाएं, ताकि लोगों का स्वास्थ्य भी अच्छा रहे। और जैसे ही आज महिलाएं किसी से कम नहीं है, महिला किसान भी बहुत आगे जा चुकी हैं और अपनी पहचान मतलब बना रही हैं। पूरे देश की महिलाएं हमारी जो हैं, क्यों ना वो किसानी के साथ साथ प्रोडक्ट को भी बना के बेचे, तो काफी फायदा उनको होगा। जी, महिला किसान दिवस पर महिलाओं पर बात करना इसलिए खास हो जाता है कि आज हमारी महिलाएं कहाँ कहाँ पहुंच रही हैं, और सबसे ज्यादा खेती बाड़ी में अर्थव्यवस्था की यहाँ पर बात करें तो ग्रामीण महिला की अर्थव्यवस्थाओं की जो रीढ़ की हड्डी होती है वो महिलाएं होती हैं। आप यहाँ पर देखिए, हाथों से बिस्किट बनाए जा रहे हैं, जिन्हें हैंडमेड कहा जाए, हाथों से बने हुए हैं। सबसे ज्यादा डिमांड इसलिए है क्योंकि देसी घी, और हरियाणा के चंदू गांव में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। पूजा शर्मा जी पूरा जो ये समूह है इसको चलाती है, सब महिलाओं को यहाँ पर सिखाती है, और एक नहीं कई हजार महिलाओं को इन्होंने ट्रेनिंग दी है ताकि वो अपना खर्च उठा सके, अपनी पहचान बना सके। यहाँ पर ये छोटे छोटे जो मैं देख रही हूँ पूजा जी, इसकी साइज होती है जी, और ये कितनी साइज होती है, किस तरह से ये हम इन तमाम महिलाओं से बात करेंगे, तो चलिए हम महिलाओं से भी जान लेते हैं और इनसे पूछते हैं कि ये किस तरह से यहाँ पर काम करती है, किस तरह से मोटे अनाज की जो अलग अलग वैरायटी है उसको बनाने में इनको ट्रेनिंग मिलती है और मदद मिलती है। तो कुछ महिलाओं से भी बात करते हैं जो मोटे अनाज पर क्या क्या बनाती है, किस तरह से वो अपने आप की पहचान बनाकर आज कहती है कि हम सिर्फ चूल्हा चौका नहीं करती है, हमारी भी एक पहचान है। जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम आशा है और मैं गांव चंदू से हूँ, और मैं यहाँ बाजरा बिस्किट मतलब यहाँ काम करने के लिए आती हूँ, और यहाँ हम मोटे अनाज का इस्तेमाल करते हैं। मोटे अनाज से जैसे हम बिस्किट बनाते हैं, जो लोगों को बहुत पसंद आते हैं। अच्छा। और जो हम ये बिस्किट बनाते हैं, जैसे बच्चे पहले बिस्किट नहीं खाते थे, बिस्किट तो खाते थे लेकिन बाजरा नहीं खाते थे, तो बच्चों को भी बाजरा खाने के लिए, और जो लोग बाजरा नहीं खाते उनको खिलाने के लिए भी अब हम बाजरा पीनट बिस्किट बनाते हैं, बाजरा जीरे बिस्किट बनाते, जिससे लोग शौक से खाते हैं और उन्हें अच्छा भी लगता है, तो हमें भी इस बात से खुशी होती है। जो बाजरा बिल्कुल नहीं खाते थे अब वो काफी बाजरा खाने लग गए हैं, और बाजरे खिचड़ी, बाजरे मतलब कई ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसे खाकर लोग बहुत खुश होते हैं, तो हमें इससे काफी खुशी मिलती है, और हम मोदी जी का धन्यवाद करना चाहेंगे जिन्होंने हमारे मोटे अनाज को इस प्रकार से हमें बनाने के लिए बोला, और हमने बनाया और लोगों ने बहुत ही अच्छे से खाया, और हम उनका धन्यवाद करना चाहेंगे। अच्छा, धन्यवाद। आप ये बताएं, चंदू गांव से आप हैं, कितने समय से आप यहाँ पर इस समूह से जुड़कर काम कर रही हैं? जी, मैं इस चंदू गांव में इस समूह से मैं 5 साल से काम कर रही हूँ समूह में, और 5 साल से हमारी समूह में काम कर रही हूँ, 5 साल से यहाँ कंपनी में भी काम कर रही हूँ। अच्छा, अब आपकी पहचान अलग है या घर की कहते हैं चूल्हा चौके तक की है? नहीं, अब हमारी पहचान बहुत ही अलग हो, क्योंकि हम बड़े बड़े जैसे लगाते हैं स्टॉल वगैरह लगाते हैं, तो हम वहाँ भी जाते हैं, हम नोएडा भी गए हुए, बहुत सी दूर दूर तक जाते हैं, और वहाँ मेले में अपने सामान की बेकरी करते हैं, तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है। काफी लोगों को भी जानने लग गए हैं जिनसे हम कभी मिले भी नहीं थे, ऐसे ऐसे लोगों को हमने देखा, बड़े बड़े अफसरों से मिलते हैं, हमें बहुत खुशी होती है, कभी जी जी बड़े बड़े अफसरों से मिलते हैं, और जब हमारे यहाँ पर कई बार ट्रेनिंग होती है तब आते थे, हमें और भी खुशी होती है, क्योंकि हम लोगों को ट्रेनिंग भी देते हैं। पहले हम ट्रेनिंग लेते थे, हमें बहुत ही काफी डर लगता था, भैसा लगता था, अब हम खुद लोगों को ट्रेनिंग देते हैं तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है। जी, तो सुना आपने, ट्रेनिंग लेकर अपना भविष्य बेहतर किया है, और अब पहचान भी खुद की बन गई है, और इसी पहचान के साथ अब जब भी जिससे मिलती है तो ये नहीं कहती कि हम फलाना फलाना है, हमारी एक पहचान है और हम ये काम करते हैं। और भी यहाँ पर महिलाएं हैं, उनसे भी हम जानेंगे। जी, क्या नाम है आपका? नमस्ते राधिका जी। हाँ। मैं सुमनलता, गांव चंदू की बहू हूँ मैं यहाँ की। जब मैं यहाँ पे आई थी, जब मेरी ऐसी कंडीशन थी कि मैं घर में बैठी रहती थी, मेरा घर वाला मुझे बहुत कहता था तो किसी काम की नहीं है, कुछ नहीं करती है। मैं पूजा के ग्रुप में बढ़ी, मुझे यहाँ समूह में काम मिला, और समूह में काम मिलने से और मेरा रोजगार और भी आगे बढ़ा, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि पूजा जी मुझे काम दे और मैं उनके जगह पे काम लूँ, आगे आगे हम चले, थोड़ा थोड़ा बढ़े हम लोग,
आगे चल के बड़े हम मंत्री से भी मिले, बड़े बड़े गांव में भी गए, बड़े बड़े गांव में जाके हमें और भी औरतों से प्रोत्साहन मिला, उनसे मिले भी हम, अच्छे बोले भी, अच्छे बतलाए भी हम। लेकिन हमने सबको ये कहा कि जो आप अनाज को ख़राब करते हो ना, उस अनाज को बचाओ और बचा के उसका ये सामान बनाओ। उसका ये सामान बनाने से आप लोगों को आपकी पूछ भी होगी और आपको और लोग भी जानेंगे। अच्छा ये बताएं, मोटे अनाज से आप क्या क्या बनाती हैं? मोटे अनाज से हम लोग बनाते हैं, बिस्किट भी बनाते हैं और लड्डू भी बना लेते हैं हम लोग, और बर्फी भी बना लेते हैं हम लोग उससे। क्योंकि बाहर जाते हैं, जो बाहर के जो कस्टमर है वो हमारे से मांग करते हैं आगे, तो इसलिए हम पूजा जी को बोलते हैं कि पूजा जी आप इस चीज़ का ऑर्डर करो, और इसलिए हम बनाने में आपकी उत्सुक है, तो इस वजह से हम आपकी मदद पूरी पूरी करेंगे। लेकिन आपने कहा कि जब शादी हुई तो आपके पतिदेव ने कहा कि तुम कुछ काम की नहीं हो। मैं कुछ काम क्योंकि हाँ कुछ काम करने के लायक नहीं हो, तुम सिर्फ घर में बैठकर चूल्हा चौका ही कर सकती हो। आज क्या कहते हैं आपके पतिदेव? आज मेरे पतिदेव ये कहते हैं कि आज जो सुमन कुछ नहीं करती थी, आज वो सुमन बहुत कुछ करके दिखाती है। जी नमस्ते राधिका जी, मेरा नाम मीनू है। महिला किसान दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि आज महिला किसान दिवस है और आज आप ही की बात हो रही है। आप पढ़ाई करती हैं? जी मैम। अच्छा नौकरी करेंगी या फिर ऐसा ही कुछ समूह बनाकर महिलाओं को रोजगार देगी? नहीं मैम, नौकरी की जरूरत नहीं है। अच्छा इतना कुछ करने को मिल रहा है वही काफी है। बस ये है कि बस घर में तो करना चाहिए, लेकिन ये नहीं है कि बस घर तक ही सीमित रहना चाहिए, हमें और भी कुछ सीखने को मिलता है यहाँ पे। आज पूजा मैम के समूह में आई हूँ मैं, मुझे बहुत कुछ सीखने को भी मिला है और आगे भी मैं आती रहूंगी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी अच्छी चीज सीखने को मिल रही है यहाँ पे। ठीक है, तो आप नौकरी नहीं करेंगी, आप रोजगार देने वाली बनेगी। हाँ मैम। चलिए ठीक है, आप आइए इधर, और भी हमारी यहाँ पर महिलाएं हैं, उनसे बात करते हैं क्या कहती है। जी नमस्ते, क्या नाम है आपका? मैम नमस्ते, मेरा नाम सविता है, है? मैं यहाँ पे 9 साल से काम कर रही हूँ, समूह में जुड़ी हुई हूँ। मेरी 3 लड़कियाँ हैं, मैं यहाँ से अपना कंपनी में यहाँ काम करती हूँ पूजा के साथ। 9 साल हो गई मेरे को काम करती, और करते करते मैं पहले हम छोटा काम करते थे, हम बड़ा करने लग गया, बिस्कुट बनावे हैं, बड़ा बड़ा होटल हम जाते हैं और हम स्टॉल लगाते हैं। तो अब मैं अपना घर का खुद ही खर्चा चलाती हूँ, मेरी 3 बेटी है, मैं बहुत खुश हूँ। और यहाँ हम बेकिंग करता है सारा, ये रोस्टरी सामान बनाते हैं, लड्डू बनाते हैं, सारा सब कुछ अपना अपना हाथों से करते हैं। हमें ये जितनी भी चीजें हैं सब मोटे अनाज के? हाँ जी मोटे अनाज। तो मोटा अनाज तो आपके खेतों में होता है? हाँ जी बहुत बहुत बढ़िया खेता है, हम साफ करके धो करके जब साफ करके जब हम काम करते हैं। अच्छा कहने का मतलब साफ सफाई का बड़ा हम ध्यान रखते हैं, ताकि अगर हम अच्छा खाएं दूसरों को भी अच्छा खिलाएं। ठीक है, हम साफ सफाई अनाज को पहले धोते हैं, फिर सुखाते हैं, फिर चक्की से हम खुद ही पीसते हैं, हम ऐसे नहीं करते बाहर से, हम आटा लाते हैं बाहर से करते हैं। अच्छा खेतों से ही लाते हैं? हाँ, खेतों से लाके हम यहाँ से धो के और फिर सुखा के फिर हम खुद ही पीसते हैं। तो अब आपको अपने खर्चे के लिए किसी से मांगना पड़ता है पैसा? जी मैं खुद ही करती हूँ अपना खुद ही खर्चा, आदमी इतना काम नहीं करता। मैं खुद ही अपने लड़कियों का भी काम करती हूँ, अपना खुद ही अपना खर्चा चलाती हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है मुझे ये काम। बेटियों को पढ़ा रही हैं आप? हाँ जी, मेरी 2 बेटियां शादी कर दी, 1 बेटी मेरी कुंवारी। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा काम करती हूँ मैं यहाँ, बहुत खुश रहती हूँ। पतिदेव है वो इतना काम नहीं करते कि जिससे बेटियों को अच्छी पढ़ाई दे सके, अच्छा गुजारा हो सके, तो इन्होंने ये बेड़ा उठाया कि खुद को कुछ करना चाहिए, जिससे बेटियों की शादी भी कर दी है, बेटियों को अच्छा पढ़ाया जा रहा है, और ये सब कुछ समूह से जुड़कर, और यहाँ की हमारी जो शिक्षित महिलाएं हैं, सक्षम महिलाएं हैं, पूजा शर्मा जैसी तमाम महिलाओं से जुड़कर इन्होंने फायदा लिया है। चलिए तो इस बीच हम आपको लेकर चलते हैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में फूल बासन एक ऐसी महिला जिसने एक मुट्ठी चावल से पूरे छत्तीसगढ़ में क्रांति ला दी। आप देखिए किस तरह से वो सहायता समूह से जुड़कर महिलाओं को आगे बढ़ा रही है। कहते हैं ना कि नारी नारी मत कहो, नारी नर की खान, और नारी से ही नर होते हैं ध्रुव पहला समान। बासन बाई यादव छत्तीसगढ़ की एक समाज सेविका है। ये राज्य के आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़ी महिलाओं के उत्थान पर काम कर रही हैं। उन्होंने मां बमलेश्वरी जनहितकारी समिति के नाम से एक गैर सरकारी संगठन भी बनाया है। उसके बैनर तले 12,000 स्वयं सहायता समूहों को इकट्ठा किया और 2,00,000 महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में मदद की। मैं
ये आदिवासी क्षेत्र है मोहला मानपुर। यहाँ के बहनी मन ऐसी बाजार में छोटे छोटे टुकनी में ऐसे भाग लगा लगा के जिमी कांदा बेचा रहा है। तो मोला लगे इसकी जिमी कांदा से बहुत पैसा कमाया जा सकते एक कारण का कि जिमी कांदा छत्तीसगढ़ के प्रमुख सब्जी हरे जेने के कोई भी बड़े से बड़े कार्यक्रम हो तो जिमीकंद बनना तैयारी थे और बड़ा चाव के साथ बड़े बड़े मन बहुत बफा सिस्टम करते तो हम जिमीकंदा भी बना लेंगे तो हमारे बफा सिस्टम हो जाते और एकदम चाव खुशी खुशी जाहिर करते कि हम इकर का जिमीकंदा खाए हैं। तो मोला लगी से जिमीकंदा जिला के नाम से जाने जाए और दूसरा आर्थिक इकर मजबूत हो जाए। इमें खाद डाले कोई जरूरत नहीं है पैसा भी नहीं जीरो बजट से जिमी कांदा के फसल लगाया जा सकते। तो सबसे पहले हमन 200 महिला समूह ला शुरू करें कि मोहला में जिमीकंद बहुत होते तो एला कम से कम आप मन लगाऊ तो बांध लो 20-25 रुपए किलो में बेचो बहुत बेच सकते हो। इमें खर्चा नहीं है लागत नहीं है तो इमें पैसा कमाया जा सकते। फूल बासन का समूह स्वास्थ्य शिक्षा स्वच्छता और समाज सुधार के क्षेत्र में जबरदस्त काम कर रहा है। खासकर बाल विवाह पोलियो और शराब के खिलाफ मुहिम में इनका योगदान अद्भुत रहा है। समूह से जुड़ी हर महिला सदस्य से 2-2 रुपए इकट्ठा करके उन्होंने 15 करोड़ रुपए जमा किए। फूलबासन का जन्म 5 दिसंबर 1969 को जिला राजनांदगांव के सुकुल देहान में हुआ था। ये एक पिछड़ा इलाका था यही वजह है कि उनका विवाह सिर्फ 10 साल की उम्र में कर दिया गया। समाज सेवा में इनकी शुरुआत एक स्वयं सहायता समूह के जरिए हुई थी। जल्द ही इन्होंने अपने कुछ समूह बनाए और गरीबों के लिए राशन वितरण की दुकान खोली। बाद में सबको मिलाकर माँ बमलेश्वरी जनहितकारी समिति की बुनियाद डाली। इस समूह ने स्कूलों और आंगनबाड़ी की स्थापना की साथ ही बाल भोज के नाम से एक आहार कार्यक्रम भी चलाया। फूलबासन का संघर्ष लंबा रहा और उनकी सेवा की गूंज दूर दूर तक सुनाई देने लगी। यहाँ तक कि 2012 में इन्हें देश के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री से नवाजा गया। इसके अलावा 2008 में जमुना लाल बजाज सम्मान, 2010 में स्त्री शक्ति सम्मान, 2014 में भगवान महावीर सम्मान और SR जिंदल अवार्ड भी इन्हें मिल चुके हैं। राजस्थान सरकार ने भी इनके संगठन को कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया। तो देखा आपने हमारी महिलाएं किस तरह से अपनी कहानी बुन रही हैं और उस कहानी की बदौलत अपनी पहचान पूरे हिंदुस्तान में बना रही हैं। और भी हमारी यहाँ पर महिलाएं हैं उनसे जानते हैं। जी क्या नाम है माता जी आपका? नमस्ते राधिका जी है। मेरा नाम आशा है। मेरा ससुराल है चंदू। अच्छा यहाँ ससुराल है? हाँ जी ससुराल है। हाँ। मैं किसान दिवस की शुभकामनाएं। हाँ जी जी। और मैं भी पूजा शर्मा के ग्रुप से ही इससे जुड़ के मैंने भी बहुत कुछ देखा है। यहाँ पे आके बिस्कुट की ट्रेनिंग ली हमने खूब, यानी हमारा काम बहुत आगे चल रहा है, बड़े बड़े लेवल तक जा रहा है। हाँ बड़े बड़े लेवल तक जा रहा है और हमारे बिस्कुट बहुत सब लोग खा के बहुत खुश हो रहे हैं और ऑर्डर पे ऑर्डर हमारे आ रहे हैं। हम कहते हैं भगवान से ऐसे ही ऑर्डर आए और हम काम में लगे रहे, ताकि पहले 2 पैसे मांगते थे बेटे से, अब मेरे पति नहीं है तो मैं बेटे से कहती थी 100 रुपये देते 200 रुपये देते तो मेरे को मांगना पड़ता था। अब मैं पूजा शर्मा से जुड़ के अब मैं उसको देती हूँ। अच्छा बेटे को? हाँ, बेटे को देती हूँ। कभी जरूरत पड़ती है तो मैं बेटे का साथ देती हूँ, पैसे भी देती हूँ और हमारा खूब काम बढ़िया चल रहा है। ऐसे ही मैं तो कहती हूँ प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमें लेडीजों को इतनी पहचान दिए जिससे हम महिला और हिम्मत करके आगे बढ़ रही हैं। है, क्या बात है। हाँ और अपना हमारे भी 18-20 प्रोजेक्ट हैं जो भी हैं, ये अपने बिस्कुट नमकीन वगैरह यानी हमारे खूब ऑर्डर हैं और हम आज मैडम रात को भी लगे रहते जी, हैं। जी आप इधर आइए। हम रात को भी लगे रहते हैं और हमें यानी इतनी पेमेंट मिलती है कि हम बहुत खुश हैं और हमारे परिवार वाले भी बहुत खुश हैं। जी आज मैडम रात को भी लगे रहते हैं काम में। हमें ये नहीं है होता कि भाई आज सारा सुबह काम किया तो रात को नहीं आएंगे, क्योंकि हमें अपना ऑर्डर पूरा करना होता है। एक हमें मतलब पूजा जी ने उन्हें वो दे दिया है और मोदी जी ने, मतलब आप खुश होकर काम करती है। बिल्कुल बहुत खुश होकर, पीछे मुड़ के नहीं देखना चाह रहे मैडम। अब पीछे मुड़कर हमारी महिलाएं कभी नहीं देखना चाहती। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने कहा कि अब मैं अपने बेटे की अपने घर की मदद
मदद कर रही हूँ और ये सब कुछ हुआ है मौजूदा सरकार की बदौलत, ये सब कुछ हुआ है प्रधानमंत्री जी की बदौलत, जिन्होंने हम महिलाओं को घर से चौखट लांगने को कहा, जिन्होंने कहा कि खुद खड़े होइए, खुद की पहचान बनाइए, एक कदम आप आगे बढ़ाइए, पूरा हिंदुस्तान आपके साथ है। और आज इतनी डिमांड है, यहाँ अगर मैं पूजा शर्मा जी के इस संस्थान की बात करूँ, इस समूह की बात करूँ, जहाँ चाहे वो बिस्किट हो, चाहे वो लड्डू हो, चाहे वो अलग अलग नमकीन हो, चाहे वो मोटे अनाज की बनी हुई तमाम वेरायटी हो, लोग बड़े चाव से खाते हैं और इनके स्वाद की प्रशंसा करते हैं। जी, एक और हमारे साथ बिटिया है, उनसे भी हम बात करेंगे। क्या नाम है? नमस्कार राधिका मैम, मेरा नाम सिमरन है और मैं स्टडी करती हूँ। मुझे जब भी स्टडी से टाइम मिलता है तो मैं यहाँ पे आती हूँ। मैं चाहती हूँ पूजा शर्मा मैम जो मैं उनकी तरह काम करूँ, मैं खुद नौकरी ना करके मैं दूसरों को, जैसे पूजा शर्मा मैम ने हमें रोजगार दिया, यहाँ की लेडीज को रोजगार दिया, मैं भी ऐसे ही किसी को रोजगार देना चाहती हूँ, ना कि खुद नौकरी करना चाहती हूँ। मैं भी चाहती हूँ कि मैं इतनी काबिल बनूँ कि मैं और औरतों को भी काम दे सकूँ, इसलिए मैं यहाँ पे कुछ सीखने के लिए आती हूँ फ्री टाइम में, ताकि मैं भी कुछ सीख सकूं यहाँ पे। हाँ सिमरन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने ये समझ लिया कि रोजगार देने वाला बनना है, ना कि रोजगार मांगने वाला। नौकरी नहीं करनी है, नौकरी देनी है, और ऐसी नौकरी देनी है जो हमारे साथ तमाम महिलाएं जो कह रही हैं कि आज हम बहुत खुश हैं। ये कहानी आपको बताती है कि जो महिलाएं कभी घर से बाहर नहीं निकल सकती, कभी अपने सपनों को पूरा करने का सोच ही नहीं सकती, जो कभी घूंघट से बाहर आकर ये नहीं कह सकती कि हमारे भी कुछ सपने हैं, वो आज कहती है कि हम मदद उनकी करते हैं जिनके साथ हम चल रहे हैं, हमारे परिवार की, हमारे बेटों की, हमारे पति की। और ये मदद करने की हिम्मत मौजूदा सरकार, देश के प्रधानमंत्री जी से, और हमारी जो सक्षम महिला है जिन्होंने राष्ट्रपति भवन तक जाकर कहा कि मेरा सपना पूरा हुआ, अब मैं यही नहीं रुकूंगी, मैं पूरे हिंदुस्तान में ये बता दूंगी कि गांव गांव से महिलाएं जुड़े और एक ऐसी कड़ी बने और वो कड़ी पूरे हिंदुस्तान में कहे कि हम बिना पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, हम भले ही कम पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, लेकिन हमारा नाम है, हमारी पहचान है, और हमारे हाथ से बनी हुई जितनी भी चीजें हैं उनकी एक डिमांड है। तो आज की जो चर्चा थी वो मोटे अनाज पर थी, महिला दिवस पर थी, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं महिला किसान दिवस की। एक ऐसा दिन जहां हमारी महिलाएं किस तरह से सशक्त हो रही हैं, और यही भारत सरकार का है कि मोटे अनाज से जुड़कर हमारी महिलाएं खुद को किस तरह से आगे बढ़ा रही, वो मोटा अनाज जिसकी पूरे भारत में कहीं ना कहीं एक क्रांति लाने का काम हमारी सरकार ने किया है, और वहीं हमारी किसान महिलाओं ने भी किया है। तो चलिए, इजाजत दीजिए, एक बार फिर से महिला किसान दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अक्टूबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं और नमो ऐप या माइगोव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो सुनिए इस महीने 30 अक्टूबर सुबह 11 बजे मन की बात। कृषि में महिलाओं की भूमिका पर, मिलेट्स की खेती में महिला किसानों के योगदान पर,